और आज एक बात सीधा जान ले, यदि पंचायत के मुखिया दोषी रहते हो तो पंचायत पे हमेशा सवाल बन। सीएनटी कानून के मतलब ये है कि एक आदिवासी का जमीन आदिवासी खरीदेगा, एक एससी का जमीन एससी खरीदेगा, ओबीसी का जमीन ओबीसी खरीदेगा, और आदिवासी में कंडीशन है कि उसी थाना का आदमी खरीदेगा। अब हेमंत सोरेन के धार लगे नेमरा रामगढ़ जमीन मिल ले लो दुमका में, धनबाद में, गिरिडीह में, रांची में, बताओ खुद मुख्यमंत्री दोषी हो? ईडी ओकर पीछे कहे ना लागतो मुख्यमंत्री खुद दोषी हो? माननीय मुख्यमंत्री खुद दोषी है। आप फंसते हैं कार्ड खेलते हैं कि आदिवासी का बेटा है, तो आदिवासी का बेटा केवल आप ही थोड़ी है, 70 लाख 80 लाख आदिवासी है, बनाइए किसी को, मौका दीजिए किसी और को, यहाँ का लोकसभा में किसी और को मौका दीजिए, बरहेट है दुमका का जो विधानसभा है वहाँ किसी और को मौका दीजिए। अरे भाई 70 80 लाख में एक आप ही थोड़ी है, और आप अगर काबिल होते तो आज हम सवाल नहीं करते। आप यदि काबिल होते माननीय मुख्यमंत्री महोदय तो आज हम सवाल नहीं करते। आप लाख बोलिए अबुआ बिसम अबुआ रहा कि पूरा झारखंड को पता चल गया है कि बिना पिंटू श्रीवास्तव के सारे का कुछ नहीं बोलते हैं। पिंटू श्रीवास्तव है वो मुख्यमंत्री के पीछे खड़ा रहा, वो लागे गंगा नदी पार के, ना ओकर बप्पा के एक बेटा जमीन गेल है, ना ओकर चुलिया कटायल है, ना नकुआ उछल है, ओहे काने काने कहत रहे मुख्यमंत्री के ये करना है ये करना है, तो अबुआ बिसम अबुआ राज केवल कागज में है, अगर हकीकत की बात कही जाए तो आज भी हमारा राज चंद मुट्ठी भर ऐसे लोग जिनका राज से वास्ता नहीं है आज उनका गुलाम है। इसलिए झारखंड की आवाम को, आज प्रत्येक झारखंड के वासी को इस बात को समझना होगा, ये परिवर्तन की लहर है, ये बदलाव का संकेत है, नहीं तो एक साधारण सलाह का पूरे राज्य की बैंड बजा के नहीं रहेगा। एक साधारण सलाह का आज पूरे राज्य में कोई नेता अगर उस रास्ता में गुजरता है तो बोलता है रे रास्ता में तो अभी अभी टाइगर पार करो, हमें ना जीवो बप्पा, हमें ना जीवो छोड़ा खेपा लागो, माई का अपना संज्ञा लाइके चलो और सीधे नाम भर के सवाल करें, नाम भर के सवाल करो रे डीसी के, बोलो ए डीसी साहब धनबाद में 600 करोड़ का कोयला चोरी होता है, आप चुपचाप है इसका मतलब दाल में काला है, तू थोड़ा हमसे सवाल पूछो ये रस्तवा में हम आए थे। बकायदा दो को कार्यक्रम हमार मुख्यमंत्री आ रहे वो मंत्री हलाए तो कैंसल कर दो, लेकिन टाइगर आ रहे हम लोग तो नहीं जाएंगे। ये बदलाव का संकेत है, हम बार बार बोल रहे हैं कि हम लोग कोई अवतार नहीं है, कोई मसीहा नहीं है, लेकिन ये बदलाव का संकेत है मेरे साथियों, नहीं तो आप सोच के देखिए हम क्या है, हमें की लगे एगो साधारण सा गिरा एगो गरीब घर एक माटी के घर, हमार 2 साल पहले जय के हमारे जिंदगानी चेक कर ले, फुटबॉल खेला लिए, 2 घंटा पढ़ा लिए, गिधर के पढ़वा लिए और इसने जिंदगी चला हाला, लेकिन आज जो झारखंड में चर्चा के विषय ही है तो केवल और केवल अपन शिक्षा के जोर पे, केवल और केवल अपन निडरता के जोर पे, और सबसे महत्वपूर्ण कारण कि झारखंड बदलाव की ओर तैयार है। आज चूंकि हम के युवा पीढ़ी से लड़ाई शुरुआत भेल है तो हमी के जानकारी होना चाहिए कि बिहार में लगभग 67 या 68 बीपीएससी के परीक्षा है, यानी बिहार के जितना साल बिहार राज्य गठन है इतना साल है, हमरा बुझा 1-2% काम में तो अपना बीपीएससी के परीक्षा है, बीपीएससी बुझा है ना, जकर से लोग वीडियो सीओ डीएसपी बनो, जकर से डीईओ बनो, ओकरा बोलल जाए बिहार में बीपीएससी, झारखंड में जेपीएससी, तो बिहार में शायद 67 या 68 बीपीएससी के परीक्षा भय से बोले ज्यादा की कम ना, लेकिन झारखंड में तय बोल 23 साल में 7-8 10 को कहे मान भाई, एक एक में तीन को में शायद से कहे मान भाई, 7 को एक एक परीक्षा में 7वां 8वां 9वां 10वां मिला है, अभी 252 सीट लेके अभी 10 को भय गए, कहे मान भाई 7 को 23 साल के झारखंड में मात्र 7 को जेपीएससी के परीक्षा में लो, जेपीएससी यानी जगह से तो इधर बोलो वीडियो बन तो दरोगा बन तो सीओ बन तो डीओ बन तो डीएसपी
जब परीक्षा नहीं बना लो तो तोर किधर बुतरो, बालू चोरी करवे पर तो, कोयला चोरी करवे पर तो, तोर किधर बुतरो, साइबर क्राइम के अपराध के आगे बढ़वे कर तो, क्योंकि तोर राज में एक भी परीक्षा हम से नहीं ले रहा। तो नहीं बल्ला सब पढ़ल लिखल वाला ऐसा थोड़ी है कि हम प्रधानमंत्री की तरफ फेंक क्या लियो, तो नहीं सब पढ़ल लिखल वाला बता पाए वो जेपीएससी की परीक्षा बैलो। अभी हाल फिलहाल सीजीएल की परीक्षा के बात वाले चलो जेएसएससी जेई की परीक्षा डेढ़ साल पहले रद्द भेल भाई गलो हेलो बताओ केवल साल नहीं पार भेलो कि एक साल पार भेले दो साल पार भेले पढ़े वाला छात्र के उम्र भी पार भेलो। कभी इस पीड़ा पे कोई चर्चा कर ले, इस दुख पे कोई चर्चा कर ले कि जब छात्र दसवां पास करेगा बारहवां पास करेगा अपन बम्बा के खेतवा गिरवी रखा के अपन मैया के अपन अम्मी जान के गंगवा बेचाई के पैसवा लेके रांची चल गए तैयारी करे पैसवा लेके हजारीबाग चल गए तैयारी करे पैसवा लेके धनबाद चल गए तैयारी करे। आज से थोड़ा की हाल है आज अगर की स्थिति है बताओ हमने कई गो मैट्रिक घर की गिरफ लगा बताओ तुमने किस पर कर पढ़ाई कर रहा बताओ हमें अपन बात बताओ हम पीएचडी कर रहा हूँ डॉक्टर ऑफ फिलोसफी हमें अपन बात बताओ हमें बड़ी मुश्किल से हमार मैया में नरेगा में माटी काट के कभी कभी हम लिख के घर में मकैया बेवो चोरा बेवो बुधनी हटिया में बेच के हमार फीस दे ले सब के इसने हाल हाल सब जितना भी पढ़े वाला भाई सब सब इसने पढ़े था बात नहीं हो मुश्किल से मुर्गी चेंगना बेच के छगरी पटरू बेच के काला भेड़ा बेच के अरे आपको खेत नहीं बेच के अपन किधर बुतरों के चेन्नई की इंजीनियर के डिग्री लेते राजस्थान के कोटा की डॉक्टर के पढ़ाई करते सही बोला कि गलत बोला इतना उम्मीद ये साहब आंख में वो ख्वाब देख के आंख में वो अरमान देख के हम अपन पीढ़ी के अपन छोटे छोटे भाई बहन के पटना दिल्ली पढ़े लिखे गए और हम लिखे हैं वो पूरी सीना हमने की है वो पॉलिसी ना हो कितना दुख के बात हो सभी राज्य के पॉलिसी है हमें हाल फिलहाल तेलंगाना के अलग लिए वहाँ एगो बहिन मिल रहे डॉक्टर कर रहा है ओकरा पूछ ली कि दीदी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का क्या कंडीशन है वो कहलो कि हमको आंध्र प्रदेश से है तेलंगाना में नौकरी कर रही है प्राइवेट इसीलिए सरकारी में हम लोग को मौका नहीं मिलता तुम कहे कहे दीदी बोला तो तेलंगाना अलग कहे हो यदि सरकारी नौकरी में आंध्र प्रदेश वाला फिर तेलंगाना में आके नौकरी करेगा तो तेलंगाना क्यों तेलंगाना क्यों मन यदि आंध्र प्रदेश का है स्टूडेंट आंध्र प्रदेश का है लड़का लड़की तेलंगाना में आके सरकारी नौकरी करेगा तो तेलंगाना क्यों बना बना तो वही सवाल तो झारखंड में है कि झारखंड बिहार से अलग क्यों बना भाई क्यों बना जब बिहार के लोग यहाँ अधिकारी बनेंगे यूपी के लोग यहाँ ठेकेदार बनेंगे वही लोग सारा चीज करेंगे तो झारखंड का है बना बना हमको इस सवाल को उत्तर दे दे कोई कोई क्यों झारखंड बना भाई क्यों झारखंड बना हमको सवाल को उत्तर दीजिए आप पढ़े लिखे लोग या मैं साधारण सा लड़का है आपसे सवाल पूछ रहे हैं जो लोग बाहरी भीतरी के नाम पे विवाद करते हैं मैं उनसे सवाल पूछ रहा हूँ ये लड़ाई बाहरी भीतरी की नहीं है ये लड़ाई झारखंडीय अस्मिता की है ये लड़ाई झारखंडीय अधिकार की है ये बाहरी भीतरी की लड़ाई नहीं है बिहार यहाँ जिले लोग महाराष्ट्र वाले भी है वहां जाकर बोले भोजपुरी भाषा मानने चाहते हैं बोले बंगाल में भी है तमिलनाडु में भी है केरल में भी है झारखंड में मनमानी का है बिल्कुल झारखंड में रहे बड़ी होने कहा कि बिहार के लोग यूपी के लोग एमपी के लोग गुजरात के लोग महाराष्ट्र में भी रहते हैं तेलंगाना में भी रहते हैं गुजरात में भी रहते हैं कर्नाटक में भी रहते हैं वहां कहे नहीं मानते इनको झारखंड नहीं चाहिए कहे झारखंड का भी बोका झारखंड का भी झंडा बंगाल में भी आपके लोग रहते मांगे ममता बनर्जी से नाम लेके दौड़ाएगी ममता बनर्जी
एक टेंडर डाल के आइए, जाइए। मुस्लिम रहे, हैदर रहे, भट्टो रहे, कोई रहे, कमार रहे, खासी रहे, संथाल रहे, कोई रहे, जाइए खंडवा, एक टेंडर डाल के आइए। आपको पता चल जाएगा कि अब झारखंड में है कि यूपी बिहारी मजदूर गला यहीं से जाकर सकता है। जाइए, ऐसी व्यवस्था किसी राज्य में नहीं है, ऐसी व्यवस्था किसी राज्य में नहीं है जिसका राज्य वही टेंडर डालता है। चाहे सड़क बनाना हो या इमारत बनाना हो, जूता सिलाई करना हो या कपड़ा सिलाई करना हो, वही राज्य आपके टेंडर डालता है। केवल झारखंड है जहां झारखंडी टेंडर में डाल सकता है। जाइए, मैं आपको चैलेंज देते बोल रहा हूं, अरे टेंडर तो दो की बात है, जाइए रेलवे स्टेशन में कुछ कट्ठे ला जाते हैं। इतना मुर्दा किया है झारखंड को जितना मुर्दा काशी राजकोट नहीं किया गया। झारखंड को यहाँ की सरकार ने यहाँ के आई एस आई एस में लोगों को तबाह करके रखा है, तबाह करके रखा है राज्य। आप अपने राज्य में को खिलाड़ी बना सकते हैं। यदि मेरी बात आपको मजाक लग रही है, जाइए रेलवे के दर्द, जाइए कोटों, जाइए बोलारों का सेक्टर। मेरा रामपंच का जान गया, मेरा रामपंच का बलिदान आया, हमें वो टेंडर आए रे हमार सोना छा। बकायदा मुख्यमंत्री ने माना कि श्री हेमंत सोरेन ने अपने घोषणा पत्र में लिखा था कि 25 करोड़ तक का टेंडर उसमें भी झारखंडियों को आरक्षण देंगे, उनकी घोषणा पत्र में होगा। अपन ये घोषणा पत्र को आज हम लोग बोलता है लड़का भड़काऊ, कौन सा भड़काऊ बात की बताइए। हम तो खुले मन से स्वीकार करते हैं कि बिहार हमारा बड़ा भाई है, हम बिहार से अलग हुए। हेलो, हेलो, हम खुले मन से कहते हैं कि बिहार हमारा बड़ा भाई है।